Hi everyone, welcome to Cook Easy with Sakshi. आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला दम अरबी बनाना, जिसके लिए हम लेंगे आधा कटोरी दही, चार टमाटर की प्यूरी बनाई है मैंने, 10 अरबी ली हैं, जिनको मैंने एक विसिल लगाई है, ऑयल चाहिए हमें फ्राई करने के लिए, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अजवाइन के दाने, एक बड़ा चम्मच नमक, आधा चम्मच किचन किंग, साथ ही साथ मैंने लिया है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बॉइल्ड अरबी को फ्राई करना है, उसके लिए हम एक एक करके अरबी डालेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा था और दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम अरबी को फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अरबी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, क्रिस्पी। और आप इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। और अब नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जिसमें हमने अरबी फ्राई की थी। डालेंगे इसमें अजवाइन के दाने और 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अजवाइन के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च, साथ ही साथ किचन किंग, धनिया पाउडर और हल्दी। और अब इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट के लिए सिम गैस पे हम फ्राई करेंगे। डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट इसको ऐड करने से दम अरबी का फ्लेवर और ज्यादा बढ़िया आता है। इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे इसके साथ, और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे चुटकी भर हींग। और अब इसके अंदर टोमेटो प्यूरी, और अब अच्छा पकने तक लगभग 4 से 5 मिनट सिम गैस पे हम इसको भूनेंगे, जब तक कि साइड से तेल ना आने लगे और मसाला हमारा बढ़िया तरीके से सिक ना जाए। मसाला अच्छे से भुन गया है, साइड से घी छोड़ने लग गया है, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही। अभी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है, जिस भी डिश में आप दही या दूध ऐड करते हैं उसमें सॉल्ट हमेशा बाद में ऐड होता है। और अब दही के साथ भी इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी, और अब इसको ढक के पकाएंगे लगभग 6 से 7 मिनट। अच्छे से मैंने इसमें 2 से 3 बॉयल लगा दिए हैं, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ ही साथ फ्राई की हुई अरबी। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को, और अब इसको हम दोबारा से सिम गैस पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट। सिम गैस पे 15 मिनट इसको पका लिया है, और अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अरबी जो है मसाले में अच्छे से लिपट गई है और मसाला भी अच्छे से पक गया है। साइड से अगर आप देखेंगे तो ये घी छोड़ने लगा है। और अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। फाइनली मसाला दम अरबी इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन हैप्पी कुकिंग।